दोस्तों, अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि 1 जनवरी के बाद से आपको टीवी देखना हो सकता है महंगा, लेकिन कितना महंगा होगा क्या आप जानते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक एक टीवी चैनल्स के रेट्स लेके आया हूं कि आपको क्या दर चुकानी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कलर्स के, स्टार टीवी के या जी सिनेमा के किसके क्या रेट्स हैं, या आपका कोई और भी फेवरेट चैनल है, तो आप आज का ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि आज मैं आपको सभी टीवी चैनल्स के रेट बताने वाला हूं, ताकि अगर आप केबल चलाते हो, टीवी डिश रखते हो, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। केबल तो अब खत्म हो गया वैसे तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं YouTube का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, अभी तक हम टीवी चैनल्स को आसानी से देख पाते थे, यानी कि अपने मनपसंद टीवी चैनल्स और टीवी शोज को आसानी से देख पाते थे, लेकिन अब ऐसा करना महंगा होने वाला है। कारण है ट्राई के नए नियम जो केबल ऑपरेटर्स और डीटीएच के लिए आए हैं, जिनके मुताबिक अब ब्रॉडकास्टर ही चैनल के पैसे निर्धारित करेंगे। इससे पहले केवल ऑपरेटर्स ही यह पैसे निर्धारित करके पैसे निर्धारित करते थे। इसके साथ ही आपको 130 रुपया 100 चैनल्स के लिए देने होंगे। इन 100 चैनल में आप चाहे तो फ्री टू ईयर चैनल्स देख सकते हैं या पेड चैनल्स देख सकते हैं। फ्री टू ईयर के लिए आपको 130 रुपए के अलावा कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा, लेकिन पेड चैनल्स को देखने के लिए आपको 130 रुपए और साथ में चैनल का पैसा और जीएसटी देना होगा। ट्राई का कहना है दोस्तों कि इससे ग्राहक को चैनल्स सस्ते में देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि इससे चैनल्स देखना और भी महंगा हो जाएगा। तो मैं यहां पर आपको हर चैनल की लिस्ट शो कर रहा हूं, आप पॉज करके देख लीजिए कि आपका फेवरेट चैनल कौन सा है, उसके क्या रेट्स हैं। तो दोस्तों, अब रेट्स देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इनकी कीमत आपको कम पड़ने वाली है या ज्यादा पड़ने वाली है, या अच्छा हुआ या नहीं अच्छा हुआ, बताना जरूर नीचे मुझे कमेंट्स में। तो मिलता हूं अगले बार एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।